दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की अदालती मुश्किलें कड़ी हो गई हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर मंगलवार को संज्ञान लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को 25 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मारपीट, आपराधिक साजिश रचने, मारपीट के लिए उकसाने जैसे अलग अलग धाराओं के तहत संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इन 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और 2 विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। मामला इसी साल 19 फरवरी का है, जब मुख्य सचिव अंशु प्रकाश देर रात एक बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। इसी दौरान आरोप है कि केजरीवाल के सामने पार्टी के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी। अंशु प्रकाश से मारपीट करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्ला खान जेल भी गए थे, जिन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।